So here's some guys, Harshay and back. So hey, what's up guys, Harshay back in the video. So guys, what a week this has been for the Apple fans out there. So guys, कल हमें पता चला था कि iOS 11.3.1 का अपडेट आने वाला है, मतलब जेलब्रेक आने वाला है. अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो उसके लिंक्स हैं ऊपर यहाँ पे फ्लैश अप हो रहे हैं, आप देख सकते हैं. तो गाइस, अब हमें पता चला है कि एप्पल आपको $50 पे करने वाला है अगर आपने अपनी बैटरी रिप्लेस करवाई थी. और गाइस, हमें एक सिक्योरिटी अपडेट भी आने वाली है 11.4 iOS में, जो कि काफ़ी अच्छी होने वाली है. सबको पता ही होगा कि एप्पल अपने डिवाइसेस की परफॉर्मेंस को थोड़ा डाउन कर रहा था ताकि उसकी बैटरी ज़्यादा दिन तक चल पाए. एंड उन्होंने एक प्रोग्राम शुरू किया जिसमें उन्होंने डिस्काउंटेड बैटरी ऑफर की थी आपको, जो कि थी शायद $29 या $19 की, इफ आई रिमेंबर. सो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी, उसके लिंक्स यहाँ पे फ्लैश अप होंगे, वॉली भी देख सकते हैं जाकर. सो गाइस, तब हुआ क्या था कि एप्पल ने एडमिट किया था कि वो डिवाइसेस स्लो डाउन कर रहे हैं क्योंकि उनकी बैटरी परफॉर्मेंस को बढ़ा सकें. सो एप्पल ने डिस्काउंटेड बैटरी ऑफर की थी. एंड जिन लोगों ने अपने आईफोन 6 से ऊपर वाले डिवाइसेस में अपनी बैटरी रिप्लेस करवाई थी 1 जनवरी से लेकर 28 दिसंबर 2017 तक, जिन्होंने आउट ऑफ वारंटी बैटरी रिप्लेस करवाई थी, एप्पल उनको वापस $50 देने वाला है उनके बैंक अकाउंट में. $50 यानी ₹3000, एंड दैट्स अ प्रीटी बिग अमाउंट. तो एप्पल ये न्यूज़ रिलीज़ करी है कि वो 23 मई से लेकर 27 जुलाई 2018 तक आपको ईमेल से कॉन्टैक्ट करेंगे. एंड अगर आपके पास ईमेल उस समय तक नहीं आता है तो आप उनको खुद कॉन्टैक्ट कर सकते हैं अपने बिल के साथ. अपने बिल की फ़ोटो खींच के आप उनको ईमेल कर देंगे बाय मिड ऑफ अगस्त तक, या फिर आप अपने नज़दीकी एप्पल स्टोर में जाके ये वाली कंप्लेंट रजिस्टर कर सकते हैं कि आपके पास कोई ईमेल नहीं आया. सो गाइस दिस इज़ अ वेरी गुड थिंग अबाउट योर आईफोन कि आपको अपने बैटरी के पैसे वापस मिल रहे हैं, आपको अपनी परफॉर्मेंस भी वापस मिल गई. सो गाइस, सेकंड चीज़ निकल के आ रही है सामने, वो है कि जो ग्रेशिफ्ट कंपनी थी जिसने ग्रे की इन्वेंट की थी. सो गाइस, जिनको नहीं पता ग्रे की क्या होती है, मैं बता देता हूँ ग्रे की क्या होती है. ग्रे की एक ऐसा डिवाइस है, फिजिकल डिवाइस, हालांकि बहुत ज़्यादा महंगा आता है, बट स्टिल ग्रे की ऐसा फिजिकल डिवाइस जो कि सेल पे मिलता है, काफ़ी लोग ले सकते हैं इसको अगर आपके पास बजट है तो, एंड आपको किसी के आईफोन के अंदर देखना है क्या है. सो कुछ ग्रे की करती ये थी, उसमें 2 लाइटनिंग पोर्ट्स होते थे एंड आप 2 फोन्स कनेक्ट कर सकते थे अपने एक बारी में लाइटनिंग पोर्ट के थ्रू. एंड जब आप उस लाइटनिंग पोर्ट के थ्रू अपने फोन को कनेक्ट करते थे तो जो आपकी लॉक स्क्रीन होती है उसको बाईपास कर लेती थी. एंड दिस हैपेंड ऑन 11.3.1 एज वेल. सो गाइस, दैट्स प्रीटी स्केरी एज वेल कि अगर आपका कोई दुश्मन है उसके पास अगर ये ग्रे की आ जाती है तो आपके फ़ोन के अंदर जा सकता था. सो गाइस, वैसे तो अगर ये सेफ हैंड्स में है ये वाला डिवाइस तो काफ़ी ज़्यादा अच्छी बात है, बट अगर रॉन्ग हैंड में चला जाता है तो काफ़ी प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है. सो इन स्पाइट ऑफ ऑल दी एफर्ट्स बाय एप्पल, उसमें उनकी सिक्योरिटी में फिर भी हमें काफ़ी ज़्यादा फ्लॉज देखने को मिल गए थे. बट जो अब उनने अच्छी चीज़ कर दी 11.4 अपडेट के साथ, वो ये है कि जो ग्रे की है, अगर आपका मोबाइल फ़ोन है उसमें आपने मैनुअली पासवर्ड एंटर नहीं किया है 14 डेज तक, तो जो आपका लाइटनिंग पोर्ट होगा ये सिर्फ चार्जिंग के काम आएगा, इसमें आप डेटा ट्रांसफ़र नहीं कर सकते हैं, चाहे वो आप अपने कंप्यूटर में लगाएं या फिर आप अपनी वो ग्रे की में लगाएं. वो हालांकि 14 डेज काफ़ी ज़्यादा टाइम है, 40 डेज के अंदर काफ़ी लोग कुछ भी कर सकते हैं आपके मोबाइल के साथ, बट फिर भी उन्होंने ये काफ़ी अच्छा मेजर लिया है कि 14 डेज के बाद अगर आपने 14 डेज तक अनलॉक नहीं किया है अपना फ़ोन पासकोड के साथ तो उसमें जो लाइटनिंग केबल है वो डेटा ट्रांसफ़र नहीं कर पाएगी. अगर डेटा ट्रांसफ़र नहीं होगा तो ऑब्वियस सी बात है कि वो जो ग्रे की है वो भी आपका पासकोड अनलॉक नहीं कर पाएगी. तो जो ग्रे की थी वो 4 डिजिट का सिंपल पासवर्ड 3 से 4 घंटे में बाईपास कर लेती थी, एंड जो मुश्किल पासवर्ड्स होते थे जो काफ़ी बड़े डिजिट्स के होते थे उनको उसको बाईपास करने में लग जाते थे 3 से 4 दिन. बट इंस्पायर 3 से 4 दिन के बाद भी अगर आपका फ़ोन खुल जाता है तो ये भी कोई प्रॉब्लम नहीं है. सो गाइस, अब ये काफ़ी अच्छी न्यूज़ है कि सिर्फ पावर के लिए काम आएगा लाइटनिंग केबल 14 डेज के बाद, बट 14 डेज काफ़ी बड़ा टाइम है. बट स्टिल सो एप्पल ने 11.3 पे भी कोशिश की थी ये करने की, बट 11.3 पे सक्सेसफुल नहीं हो पाया था. सो नाउ दे हैव इंप्लीमेंटेड इन टू दी 11.4 iOS बेटा अपडेट. सो गाइस, आई थिंक दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो. इफ यू गाइस मेड टू दी ड्रॉप अ लाइक टू दिस वीडियो एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन.